हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी ईएसआई मेंबर की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम करने के लिए कैसे अप्लाई करें, कैसे फॉर्म भरे जिससे हमें ईएसआई से जो भी डेथ क्लेम के पैसे हैं वो हमें मिल जाए जो नॉमिनी है। फ्रेंड अगर आप भी एक ईएसआई मेंबर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। फ्रेंड बहुत से मेम्बरों को पता भी नहीं होता है कि ईएसआई में डेथ होने पर ईएसआई से हमें पैसे मिलते हैं जो नॉमिनी होता है या फिर जो क्लेम करता है, और क्लेम करने के लिए मैनुअल फॉर्म भरना होता है क्योंकि ईएसआई ने ऑनलाइन कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है जिससे मेंबर ऑनलाइन अप्लाई कर सके, इसलिए डेथ क्लेम के लिए मैनुअल फॉर्म भरना होता है। तो चलिए फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरें और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फ्रेंड इस फॉर्म का नाम फ्यूनरल एक्सपेंसेस फॉर्म है, इसको आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये फॉर्म आपको ईएसआई ऑफिस से भी आसानी से मिल जाता है, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है एक एक स्टेप, जब भी आप पूरा फॉर्म फिल कर पाएंगे। फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ डेथ ऑन, फ्रेंड इसके आगे हम डेट डाल देंगे जिस दिन ईएसआई मेंबर की डेथ हुई थी, उसके बाद यहाँ ऑफ के आगे जिस मेंबर की डेथ हुई है उसका पूरा नाम लिख देंगे जो ईएसआई कार्ड पर है। फिर यहाँ लिखा हुआ है S/W/D ऑफ, मतलब सन ऑफ, वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ। फ्रेंड यहाँ पर जिस मेंबर की डेथ हुई है अगर वो मेंबर मेल है तो उसके फादर का नाम आएगा, अगर मेंबर फीमेल है और वो मैरिड है तो वाइफ ऑफ करके उसके हस्बैंड का नाम आएगा, और अगर मेंबर फीमेल है और अनमैरिड है तो डॉटर ऑफ करके उनके फादर का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ एज के आगे उनकी एज लिख देंगे जो भी सन ऑफ है या वाइफ ऑफ है या फिर डॉटर ऑफ है, जैसे 40 साल, 50 साल या 60 साल, तो ऐसे एज लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है। फिर यहाँ लिखा हुआ है हैविंग इंश्योरेंस नंबर, इसके आगे जिस मेंबर की डेथ हुई है उसका 10 डिजिट का ईएसआई नंबर लिख देंगे, ईएसआई नंबर आपको अपने ई पहचान कार्ड पर मिल जाएगा। फैन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंड लास्ट एम्प्लॉयड एज, बहुत से मेंबरों को ये ऑप्शन समझ नहीं आता है, इसका मतलब हो गया कि जिस मेंबर की डेथ हुई है वो लास्ट कंपनी में कौन सी तारीख तक काम पर था, और इसके लिए आपको कंपनी में पता करना पड़ेगा कि लास्ट उन्होंने कौन सी डेट तक काम किया है, फिर यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है बाय M/S, इसके आगे कंपनी का पूरा नाम लिख देंगे जिस कंपनी में मेंबर काम करता था। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कोड नंबर, ये कोड नंबर कंपनी को होता है जिस पर ईएसआई का रजिस्ट्रेशन होता है, ये कोड नंबर आपको अपने ई पहचान कार्ड पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर लिखा होगा एम्प्लॉयर कोड नंबर जो होता है 17 डिजिट का, नहीं तो आप कंपनी से भी ले सकते हैं। फैन उसके बाद यहाँ नीचे वाले कॉलम में जो नॉमिनी है जो क्लेम कर रहा है उसकी यहाँ पर डिटेल्स भरी जाएगी, तो यहाँ पर आई के आगे जो नॉमिनी है उसका नाम लिख देंगे, उसके बाद सन ऑफ, वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है उनका नाम यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ एज के आगे उनकी पूरी एज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑफ रेट्स, इसके आगे यहाँ पर जो भी नॉमिनी है और उन्होंने अंतिम संस्कार में कितने पैसे लगाए थे वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, वो आपको जब वहाँ से पर्ची मिलेगी उस पर अमाउंट लिखा होगा। उसके बाद यहाँ रुपीज़ के आगे उसी अमाउंट को वर्ड में लिख देंगे। फ्रेंड उसके बाद जो नीचे वाला कॉलम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड अगर मेंबर जिसकी डेथ हुई है अगर वो फैमिली के साथ ना रहता हो या फिर उसकी फैमिली में कोई भी ना हो या फिर वो अपने किसी दोस्त या कजन के साथ रहता हो तो ऐसे पर्सन भी क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक्सपेंडिचर ऑफ रेट के आगे जो भी उन्होंने अंतिम संस्कार में पैसा लगाया है वो यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ रुपीज़ के आगे वर्ड में लिख देंगे। फ्रेंड उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली आई डू हेयर बाय क्लेम फ्यूनरल एक्सपेंसेस फॉर रेट्स, फ्रेंड इसके आगे जो हमें फ्यूनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट मिलने वाला है यहाँ पर वो लिखना है, तो इसमें आपको 15,000 रुपये लिखने हैं। पहले फ्यूनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट 10,000 रुपये था लेकिन ईएसआई ने इसको बढ़ाकर
₹15,000 कर दिया, तो आपको यहाँ पर ₹15,000 लिखने हैं। फिर यहाँ रुपीज़ के आगे 15,000 को वर्ड में लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को ESI ऑफिस में सबमिट करेंगे, उस दिन की यहाँ पर डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ आगे लिखा हुआ है नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पर नाम लिख देंगे जो भी नॉमनी है या फिर जो भी पर्सन क्लेम कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर के आगे आपकी कंपनी के जो भी मालिक है या नियोक्ता है उनके यहाँ पर साइन होंगे, वो भी स्टैम्प के साथ। उसके बाद नीचे उनकी डेजिग्नेशन लिख देंगे, डायरेक्टर है या प्रोप्राइटर है जो भी है। उसके बाद नीचे नेम ऑफ द माइनर, तो यहाँ पर माइनर के नाम लिख देंगे। उसके बाद नीचे उनके पेरेंट्स का नाम लिख देंगे। फिर लास्ट में लिख देंगे रिलेशनशिप, इनके साथ क्या रिश्ता है। फ्रेंड अब लास्ट में आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म के साथ। फ्रेंड अब ध्यान से समझना। फ्रेंड पहला, जिस मेंबर की डेथ हुई है उसके डेथ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और ESI कार्ड की फोटोकॉपी। उसके बाद आता है नॉमनी जो क्लेम कर रहा है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक या पासबुक की कॉपी, और जो भी नॉमनी है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स पर सेल्फ अटेस्टेड साइन करने हैं। उसके बाद सारे पेपर पर आपको कंपनी के मालिक के साइन कराने हैं, वो भी स्टैम्प के साथ। फिर आपको सारे पेपर की एक फोटोकॉपी कर लेनी है। उसके बाद जो भी आपके आसपास ESI का लोकल ऑफिस है वहाँ पर आपको ये सारे पेपर सबमिट करने हैं। एक ओरिजिनल सेट वहाँ पर जमा हो जाएगा और फोटोकॉपी पर आपको ESI से रिसीविंग मिल जाएगी। फ्रेंड आपको एक बार ध्यान रखनी है, जो भी नॉमनी है या और कोई पर्सन क्लेम कर रहा है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पर एक ही नाम होना चाहिए, और क्लेम करने के लिए आपको पहले डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको 15 से 20 दिन का वेट करना है, उसके बाद आपके अकाउंट में ESI से ₹15,000 ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे, और फ्रेंड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड 3-4 मेंबरों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर ESI में मेंबर की डेथ हो गई है तो उसका क्लेम कैसे करें, कितने पैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो उन मेंबरों के लिए थी।